हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट फ्री जोन पे दुबई के अंदर। बेसिकली मैंने वहाँ से कुछ फ़ोन कलेक्ट करने हैं, स्पॉन्सर की तरफ से आए हैं। बेसिकली यार मैं जब भी किसी स्पॉन्सर के पास जा रहा होता हूँ या कुछ मीटिंग वगैरह होती है, उसमें मैं व्लॉग नहीं बनाता, बेशक वो मेरे ये दुबई वाले बिजनेस के लिए हो या कोई स्पॉन्सर हो कुछ भी, तो उस दिन का व्लॉग भी नहीं बनता। तो आज भी मैंने कोई व्लॉग वगैरह करना नहीं था, लेकिन मैं सोचा चलो अब जा रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूंगा कुछ फ़ोन कलेक्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ कौन से फ़ोन हैं। और बेसिकली वो मेरे मेन चैनल के लिए है। और धूप काफ़ी तेज़ है, ट्रैफिक इतनी है नहीं, हम लोग 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जो है मैक्सिमम 5 मिनट की ड्राइव पे है मेरे से। लेकिन गर्मी बहुत है यार, बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। खैर अभी जो है ना फोन कलेक्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। बाकी आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में यार, जब मैं ऐसे किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाऊँ या कुछ भी करने जाऊँ, मतलब ऐसे अपने काम से, क्या उसका व्लॉग बनाऊँ, आप लोग इंटरेस्टेड हो इस चीज़ें देखने में या नहीं। 4:10 हो गया और मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये फ्री जोन की सारी बिल्डिंग्स हैं, तो मुझे यहाँ से मतलब यहाँ से भी राइट ले सकता हूँ, आगे से भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट वाला जो फ्री जोन लिखा हुआ है, फ्री जोन बेसिकली यार इसमें ना एंट्री वैसे नहीं होती है विजिटर वीजे वाले को, या मेरे ख्याल से पता नहीं मुझे भी होती है कि नहीं एंट्री, कोई मुझे वहाँ से इनविटेशन आई हुई है शायद, उसकी वजह से मैं अंदर जाऊँ। क्योंकि मैं एक दफ़ा गया था यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे गाड़ी बाहर पार्किंग में पार्क करके अंदर जाना पड़ा। तो लेट्स सी, आज देखते हैं क्या सीन है कि अंदर हम लोग किस तरह जाते हैं। तो ये सामने बिल्डिंग है, आगे बिल्डिंगों के ये नंबर है ऊपर, 8E हो गया, 8W होगा। तो 1 घंटे के लिए बाहर पार्किंग यहाँ फ्री होती है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। तो देखते हैं क्या सीन है भाई, पार्किंग अगर हो सकती है तो लेट्स सी। फोन मैं अभी रख रहा हूँ नीचे क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है। फ्री जोन के अंदर आगे उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। लास्ट टाइम मैं आया था मुझे याद है कि अंदर आने के लिए जो है ना उन्होंने आईडी भी चेक की थी, एक्स वाई सारी चीज़ें से, लेकिन आज उन्होंने ना आईडी चेक की ना कुछ और, तो मैं इजिली अंदर आ गया हूँ, कोई इशू नहीं हुआ। मुझे लगा था शायद पार्किंग करके ना मुझे अंदर जाना पड़े। तो खैर यहाँ से जो है ना अब मैं अपना काम कर लूँ, फिर ही मिलता हूँ आपको। तो यार ये कुछ अंदर से ऐसा लगता है, यहाँ पे देखो ये सारी कंपनीज हैं, ठीक है। अच्छा ये फ्री जोन जो होता है ना, इसके वीज़े अलग होते हैं। फ्री जोन के वीज़े और कंपनीज जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे टैक्स फ्री होती हैं सारी चीज़ें, मतलब अगर कोई मतलब ये गद्दों का ऐसे ट्रक जा रहा है ना, तो यहाँ पे इस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ होगी यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। अच्छा यार ये बिल्डिंग बिल्कुल सामने थी, मैंने मैप्स लगाया हुआ था फॉर नो रीज़न और मैं उसको फॉलो करता हुआ लेफ्ट पे आगे निकल गया। फिर बाद मुझे याद आया, मैं कहा बिल्डिंग तो सारी यहाँ पे हैं, वो वाली जहाँ पे मैंने जाना। तो खैर अब मैं यहाँ से वापस आया हूँ, तो ये मेरे ख्याल से बिल्डिंग है जिसमें मैंने जाना है, या इधर हो सकती है। तो कहीं पे लगाते हैं पार्किंग और चलते हैं फिर अंदर। तो हेयर आई एम, और अभी मुझे जाना है 4th फ्लोर पे, देखते हैं कौन सी लिफ्ट आती है। ये लिफ्ट आ गई, लेट्स गो टू द 4th फ्लोर। ऑनर की डिवाइसेस हैं मेरे पास ये सारी। अच्छा अभी डिवाइसेस वगैरह मैंने पिक कर ली और अभी मैं जा रहा हूँ। 20 दिरहम दिए हैं मैंने यहाँ वैले पार्किंग के भाई लोग। तो वैले पार्किंग जो है ना ये 20 दिरहम की है, बाहर पार्क करता तो फ्री थी 1 घंटे के लिए, लेकिन जो है ना पैदल चल के आना पड़ना था, इसलिए मैंने 20 दिरहम पे कर दिया। अब जो है सेकंड काम वो ये है कि भाई बाइक्स जो है ना वो मुझे ट्रांसफ़र करने हैं, बाइक्स ट्रांसफ़र करने थे। इसके लिए जो है ना वो जो मैंने बाइक मेरी कंपनी थी वो सेल आउट किए थे मैंने, अभी तक मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, तो वो करने जाना। तो मैं देखता हूँ अभी निकलना है मुझे या क्या करना है, तो मैं आपको फिर कुछ देर में बताऊंगा। तो अच्छा मैं फ्री जोन से बाहर आ गया। अब नेक्स्ट सिस्टम ये है कि मुझे अपने बाइक्स का फाइन था वो क्लियर करना था, तो वो मैं पेमेंट करने के बाद जो है ना वो बाइक ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र लेटर उनको दूंगा। वैसे जिन लोगों को नहीं पता, मेरी एक डिलीवरी सर्विसेज की कंपनी है दुबई के अंदर, और उसमें मेरे पास कुछ बाइक्स थे जो कि मैंने 2017 मॉडल के परचेज किए थे, यूज़ में लिया था जब मैंने कंपनी बनाई थी उस टाइम पे। उन वो तकरीबन कोई 6 बाइक हैं। तो अब 2017 मॉडल दुबई में रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, यानी कि रिन्यू वगैरह भी नहीं हो रहे हैं, तो वो मैंने मतलब मुल्क एक्सपायर हो गया था तो मैंने उनको रिन्यू नहीं करवाया। लेकिन कंपनी के ऊपर जो फ़ाइन होता है, जब तक वो पे नहीं होगा तब तक जो है ना वो बाइक ट्रांसफ़र नहीं होते, तो उनका कोई फ़ाइन है तो वो मुझे पेमेंट करनी है। क्योंकि एक ही कोड होता है पूरी कंपनी का ना, यानी कि एक भी बाइक पे फाइन हो तो सारे बाइक्स ब्लॉक है मेरे, समझ लो रिन्यू भी नहीं हो सकते ना सेल आउट हो सकता। तो खैर वो बाइक का फाइन अभी पे कर दूंगा मैं घर पहुंच के। तो अभी जो ना 5 बजने वाले हैं मुझे, और तकरीबन मुझे टाइम थोड़ा सा लग गया यहाँ पे। लो जी हमारा सिग्नल ग्रीन हो गया और बिस्मिल्लाह करके हम लोग निकलते हैं भाई यहाँ से। अच्छा खैर अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर, और घर जाने के बाद जो है ना फाइन पेमेंट शेमेंट करके जब मैं निकलूंगा बाहर, तो फिर अब मैं कैमरा उठाऊंगा, तब तक के लिए जो है ना बाय बाय हो गए। यार फाइन का ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि अगर आप लोगों ने छोटी सी भी गलती दी है ना, इशू तो नहीं है, एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग भी ड्राइव जो है इंसानों की तरह करते हो। ओवर स्पीडिंग पे अलग फाइन आता है आप लोगों का, ठीक है, हर चीज़ पे मतलब एक फाइन है डिफरेंट ही, तो इसलिए हम लोगों को खुद बच के चलना चाहिए। इसलिए बाइक राइडर्स ने बहुत सारे फाइन लगवाए, और उनमें से बहुत सारे फाइन तो मुझे पेमेंट मिली भी नहीं उनकी, मतलब वो राइडर्स छोड़ गए, कोई रोने लग पड़ा, भी अपने घर जाना है कुछ से कुछ, किसी का कुछ, इस तरह के बड़े मसले होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, बस एक दफ़ा पेमेंट हो जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन, क्या क्या हुए हैं सीन मेरे साथ। यार भाई लोग रात हो गई है और सीन ऐसा है कि आज जो है ना मैं अपने वो बाइक ट्रांसफ़र करवाने के लिए नहीं जा सकूँ,
तो वो हम लोग करेंगे कल। अभी जो है घर पे बनाना है वाइट मटन, मटन रख दिया चूल्हे के ऊपर बनने के लिए, और वाइट मसाला और एक क्रीम जो है ना वो हम लोगों को चाहिए थी, वो लेने हम लोग जा रहे हैं मार्केट सुपर मार्केट। और ये क्रीम वाला सेक्शन आ गया, यहाँ से देखते हैं हम लोगों को कुकिंग क्रीम उठानी है। क्रीम यार बहुत सारी टाइप की है, चीज़ क्रीम भी है, बहुत सारी क्रीम्स हैं। ये कुकिंग क्रीम सारी पड़ी हुई हैं, हम लोगों को छोटी चाहिए इसके लिए। मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है। मेरे ख्याल से हम लोग आ गए हैं मसाले वाले सेक्शन में, यहाँ से हम लोगों ने वाइट कौरमा मसाला उठाना, कौरमा ना ना वाइट कढ़ाई कौरमा जो मिल गया उठा लेंगे। और मटन में चाहिए हमें, देखते हैं शायद मिल जाए यहाँ से, शायद ना मिले। लोग इस सुपर मार्केट में हम वाइट कॉर्न मसाला नहीं मिल रहा हमें, वो चाहिए। और हम लोग फिर अब चलते हैं कैरीफोर, तो मैं अभी कैरीफोर पर मिल जाए, वहाँ ना मिला किसी को। लेकिन आज मिशन वाइट कॉर्न कंप्लीट करना ही करना है, तो हाँ चलते हैं यार। जाने से पहले कुछ चॉकलेट उठा लिए, चॉकलेट खाने का दिल कर रहा था। और यहाँ से जो है ना सीधा चलते हैं, देखो अभी हम लोग लुलु पे आए हुए हैं और यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा कैरीफोर। जब भी हम लोग कैरीफोर में आया, कैरीफोर में भी मैं ढूंढ ढूंढ के थकी हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स के मसाले लगे हैं, सिर्फ वाइट कौरमा मसाला ही नहीं है, ना वाइट कढ़ाई ना वाइट कौरमा। यार यहाँ पे और तो कुछ मिला नहीं है, हलीम का ले रहा हूँ। एक यहाँ पे शाही हलीम मिक्स है डब्बा, और एक यहाँ पे ये है। और इसकी जो प्राइस है ना वो है 9 दिरहम, ठीक है 9 दिरहम का है। मैं प्राइस भी आपको बता दूँ, तो ये बना के देखना है। वैसे हम लोगों ने घर पे बनाना था हलीम, तो ये डब्बा ले चलते हैं, चेक करते हैं कि ये कैसा बनता है, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ ही है मेरे ख्याल से, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। यार ये बिजनेस ब्लॉग से ज़्यादा मिशन वाइट कौरमा बन गया, तो यहाँ से भी नहीं मिला हलीम, तो मैंने उठा लिया ये, चल के बना के देखेंगे कैसा बना। वरना हम लोगों ने घर पे तो वैसे एनी वेज बनाना ही था, फिर वो वरना वो बना के देख लेंगे, इसका पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। ये कल ये ट्राई करेंगे है ना, कल ही ट्राई कर लेंगे अपने अभी कुछ, और कल के किसी और मार्केट चलते हैं या घर जाके मतलब उसकी जो स्पाइसी उस डब्बे में होते हैं वो अपनी तरफ से जो है स्पाइसीज डाल देंगे अंदर। लेट्स सी, मैं तीसरी सुपर मार्केट में आया हूँ, और सुपर से भी ऊपर की मार्केट्स हैं भाई, मतलब फुल सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से भी नहीं मिला। अब मैं थक गया हूँ भाई, अब जो है ना घरेलू मसालों के साथ वाइट मटन जो है ना वो रेडी करना है बस। यार वो तो नहीं मिला, बस अब ये पॉपकॉर्न लेके जा रहे हैं घर बना के, ट्राई करेंगे मक्खन डाल के पॉपकॉर्न, और प्लस हम लोग चिकन वगैरह ले लेते हैं, वो भी काम आएगा, चिकन जो है ना किसी ना किसी सालन में डल जाएगा। तो अच्छा यार अभी मैं ATM पे आया था कुछ पैसे विड्रॉ करने से, तो ये पैसे विड्रॉ किए हैं, तो अभी चलते हैं यहाँ से ज़रा। डॉक्टर साहब आज हमें कोक पिला रहे हैं, डॉक्टर साहब कौन सी शीशे वाली पिला रहे हैं, बगैर शीशे वाली? शीशे वाली। हाँ हाँ हाँ, नहीं रीसा दे रही हैं डॉक्टर, नहीं रीसा दे रही है। ये पुराना वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी गया। अच्छा भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने वर्ल्ड कप वाली पीनी है, डॉक्टर साहब और ये पेप्सी के शौकीन भाई, हम हैं कोक वाले, कोक लेते हैं यहाँ से हम लोग। ये डॉक्टर साहब मैं भी ये लेता हूँ आपका, क्या याद करोगे आपके साथ क्या डॉक्टर साहब, मैं एक तो उससे ये पता चलता है कि फ्रेश स्टॉक है, दूसरा ये कि आ हा हा चिल माहौल है भाई। तो ऑफिशियली हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है, और आज जो है ना अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ शारजा एक काम में थोड़ा सा, उसके बाद मैंने आना है और आके फिर बाइक्स वगैरह जो मैंने आपको बताया था। मुझे क्या कहा था आज? क्या क्या आपने शॉपिंग करानी है? हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना? नहीं आज जो है ना मुझे काम है भाई शारजा में भी, और आज बिजनेस व्लॉग है भाई सारा। नहीं जी आज मेरा व्लॉग भी है। नहीं नहीं आज सारा नहीं, नो 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 आज मेरी शॉपिंग व्लॉग भी बनेगा। नहीं नहीं शॉपिंग कल ना करें, आपने प्रॉमिस किया था आज का कि हम शारजा जाएंगे, शारजा तो शारजा शॉपिंग करेंगे, शारजा जाके तो जाना तो है मुझे, लेकिन काम है शॉपिंग कल ना कर ले। मेरी बात सुनो, जाने से पहले मेरे से डिसाइड करो, शारजा छोड़ जा कोई नहीं जाना हमने, बस फिर आप ओहो यानी कि जाना है लेकिन मुझे अपना काम है, फिर आप उतर जाए गाड़ी से, आप उतरो आप उतरेंगे, उतरो उतरेंगे, उतरो उतरो निकलो बाहर, खुद निकले बाहर, निकलो मेरी गाड़ी है, चले आज चले। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था सिर्फ बिजनेस व्लॉग है, मैं बिजनेस का, आपने मेरे से प्रॉमिस किया था जो वो बाद में कर लेंगे, उनका प्रॉमिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रॉमिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलो जो आपने मेरे साथ किया है। चलो ठीक है टाइम बच गया ना, क्योंकि मैंने आना है रात के टाइम, अगर वो ओपन हुआ ना बाइक से तो फिर मैं रात को आके करवा लूंगा ट्रांसफर वगैरह, क्योंकि ट्रांसफर मुझे लाजमी करना करना है एट एनी कॉस्ट। तो ठीक है डन है, डील डन। भाई साहब बहुत सारे काम जो है वो करने वाले थे वो मैंने कर लिए, अब मैं फ्री हो गया हूँ, ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया, तो अब जो है ना बेगम को शॉपिंग के लिए ले चलते हैं, क्योंकि अब जो है ना माननी पड़ती है बात, क्या करें। अच्छा भाई यहाँ पे सिटी सेंटर भी आ गया, लेकिन अभी हम सिटी सेंटर नहीं जा रहे हैं, हम किसी और मार्केट जा रहे हैं, उसके बाद सिटी सेंटर जाएंगे। ओके आपने लोगों को दिखाया सिटी सेंटर? नहीं मैंने ये वाला दूसरे व्लॉग चैनल पे, मेन चैनल पे शायद कभी दिखाया हो एक दफा, या इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह लगाता रहता था, वैसे नहीं दिखाया कभी। भाई लोग अभी हम लोग आ गए हैं शारजा के सिटी सेंटर, जो कि फर्स्ट टाइम आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। खैर इसकी जो थीम है ये नीचे से जो गोल्ड कलर की है तकरीबन, इंट्रेंस भी कहीं कहीं सिल्वर का भी टच है इसके अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करना है, हमने किधर किधर जाना है।
इस साइड पे चलते हैं। यार ये देखो सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए जो ना यहाँ पे स्टीम छोड़ी जा रही है इनके ऊपर, सब्जियों के ऊपर, तो ये काफ़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने कहा आप लोगों को दिखानी चाहिए। ज़बरदस्त सीन है भाई, ये चेक करो। यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की, मैंने ज़्यादा उसकी वीडियो नहीं बनाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, भूख भी लग रही थी, तो यहाँ पे आए हैं समोसा चाट खाने और साथ पैटीज़ वगैरह लिए, देखते हैं खा के अगर भूख रही तो भी कुछ और खाएंगे। और मेरा हलीम का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है खाने का, अभी तक मुझे हलीम नहीं बना के दिया गया। यार हलीम रेडी हो गया था, बहुत मज़े का बना, साथ ही मोटी रोटी मिलती है, नान टाइप ही होती है, ये लेके आया हूँ। बाकी जो इसके लवाजमात होते हैं वो भी साथ सारे ही हैं, खैर इसको खा रहे हैं।